Hello friends, thanks for clicking my channel. In this video we are going to discuss Khushwant Singh and some important MCQs about his literature. This is part 1. You must watch part 2 of this same video because in the part 2 I will discuss some of his important novels and some other books. So let's get started. So Khushwant Singh had been a great personality in the field of literature. He also acted as a barrister, a lawyer, and a successful member of parliament in upper house. So as we can say that he was a great personality, and let's talk about him more. Khushwant Singh was born in Hadali, Pakistan in 1915. Okay, Hadali is a village in Pakistan. After completing graduation in 1934 from Government College Lahore, now is Pakistan, he studied law at King's College London, okay, LLB, in 1938 he completed his study of law, and at London's Inner Temple, where in 1938 he qualified as a barrister. Okay, so barrister ki bhi unhone barrister ki jo qualification thi unhone puri ki, and he practiced law in Lahore until the partition. Okay, Bharat aur India ki partition hone se pehle unhone Lahore mein law ki practice ki thi. When he moved his wife and children to Delhi and joined the Indian Foreign Service. Okay, उसके बाद वो अपने और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ दिल्ली चले गए और इंडियन फॉरेन सर्विस जो थी वो ज्वाइन की उन्होंने वहाँ पर. हिज फादर एंड ग्रैंड फादर वर इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. उनके फादर थे और ग्रैंड फादर थे, उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था. ओके, ये उनका अपना बिजनेस था. ही वर्कड एज एन एडिटर ऑफ, उन्होंने एज ए एडिटर कहाँ कहाँ काम किया था. योजना, सबसे पहले उन्होंने योजना में काम किया, इट वॉज अ मैगजीन. ठीक है, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में फिर उन्होंने एज एन एडिटर काम किया. इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है अभी भी वो चल रही है, वहाँ भी उन्होंने एज एडिटर काम किया. खुशवंत सिंह वॉज अ मेम्बर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डैश टू डैश फ्रॉम 1980 to 1986, वो राज्यसभा के मेम्बर रहे थे. Khushwant Singh earned reputation as a dash and dash. ठीक है, वो एक राइटर और जर्नलिस्ट दोनों रहे थे, दोनों में उन्होंने बहुत सक्सेस जो थी हासिल की. Who has translated Rajendra Singh's Bedi's Urdu novel एक चादर मैली सी into English as I take this woman. ठीक है, इसका मीनिंग है एज आई टेक दिस वुमेन, एक चादर मैली सी, जो राजेंद्र प्रसाद बेदी ने उर्दू नावल लिखा था तो उसकी ट्रांसलेशन खुशवंत सिंह जी ने ही की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय खुशवंत सिंह, तो इनमें से कौन सी बुक खुशवंत सिंह ने नहीं लिखी हुई. आंसर इज डी, अ रेन ऑफ राइट्स, ये उन्होंने नहीं लिखी हुई. ये सभी उनकी बुक्स हैं, सेक्स स्कॉच एंड स्कॉलरशिप, Truth's Love and Little Malice, The Sunset Club. Okay. Next question is, what's the name of Singh's last book? इनकी last book का name क्या था? The answer is C, The Good, The Bad and The Ridiculous. ठीक है, ये जो उनकी last book थी, ठीक है, उनकी lifetime में, ये किसके बारे में थी? खुशवंत सिंह compiles the profiles of 35 famous Indians in this book. ठीक है, तो उन्होंने 35 फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज को के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है. एज ही नोज देम बेस्ड ऑन हिज रिलेशंस एक्सचेंजेस एंड इंटरेक्शंस विद देम. ठीक है, तो उनका उनके साथ कैसा रिलेशन रहा क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से जानते थे. ठीक है, उनके साथ उनका कैसे वार्तालाप होता था, इंटरेक्शन होता था, बातें होती थी. सो ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ रिटन इन दिस बुक. इसमें महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, ओके, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारी और पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में उन्होंने उनकी प्रोफाइल इसमें लिखी हुई है, 35 फेमस इंडियंस. खुशवंत सिंह वॉज
Adash before he joined All India Radio as a journalist in 1951. ठीक है, सो 1951 में एज अ जर्नलिस्ट ज्वाइन करने से पहले वो क्या थे, वो एक लॉयर थे. In which year novel Train to Pakistan published? ठीक है, Train to Pakistan जो था, it was his experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. ठीक है, तो ये 1956 में पब्लिश हुआ था ट्रेन टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ था भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में, और उनका जो भी एक्सपीरियंस था इसको लेकर उन्होंने उसको एक नॉवल की शेप दे दी. द नॉवल्स नेम वॉज ट्रेन टू पाकिस्तान. इस पर फिल्म भी बन चुकी हुई है, फिल्म बनी थी 1998 में. ओके, व्हेन एंड वेयर वॉज खुशवंत सिंह बॉर्न? खुशवंत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न ऑन 2 February 1915 एट हदाली इन पंजाब, पाकिस्तान. ठीक है, एंड डाइड ऑन 20 March 2014 इन न्यू दिल्ली. ओके, समवेयर इट इज रिटन दैट ही वॉज बॉर्न 15 August, सो यू मस्ट कन्फर्म अबाउट इट. ओके, Which is the first book written by Khushwant Singh? Khushwant Singh ji jwara likhi gayi pehli book kaun si thi? Inka jo pehli book likhi gayi thi, that was The Mark of Vishnu and Other Stories. Okay? Ye ek short stories ki collection hai. ठीक है, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज इनकी पहली बुक थी शॉर्ट स्टोरीज की. ये पब्लिश हुई थी 1950 में. ओके, दीज आर द रिलीजियस स्टोरीज विद आयरनी. ये एक तरह की धार्मिक स्टोरीज हैं सारी, और इसमें आयरनी भी है, यानी कि कुछ टिप्पणियाँ, कुछ कटाक्ष भी किए हुए हैं. ओके, विच अवार्ड डिड खुशवंत सिंह रिटर्न? खुशवंत सिंह ने कौन सा जो अवार्ड था वो रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था? आंसर इज पद्म भूषण. उनको पद्म भूषण मिला था, लेकिन उन्होंने 10 years के बाद वापस कर दिया. ही वॉज गिवन दिस अवार्ड इन 1974, बट ही रिटर्न्ड इट इन 1984 बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार. क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, ओके, तो उसके उस समय में उन्होंने क्या किया था, इस पद्म भूषण अवार्ड को लौटा दिया था गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इसको लेकर. वैन ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण अवार्ड? इनको पद्म विभूषण अवार्ड से कब नवाजा गया था? इन 2007. When he was bestowed with Punjab Ratan Award. Punjab Ratan Award इनको कब मिला? 2006 में. When was he given Sahitya Academy Fellowship Award? In 2010. Okay. In which year was Train to Pakistan published? In 1956. इसका जो genre है, it is a realistic fiction. ठीक है, ट्रू ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें मैंने बताया ना आपको, ये एक realistic fiction है, यानी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुई थी, उसको अपनी आंखों से देखा था, और वट एवर ही एक्सपीरियंस्ड ही रोट इन दैट बुक ट्रेन टू पाकिस्तान. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन इन डैश मूड. इनकी एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ठीक है, एंड अदर स्टोरीज. तो इसमें एक स्टोरी आती है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये बायोग्राफिकल है. ठीक है, क्योंकि इस स्टोरी में ना उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा हुआ है, उनका उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप था. उनकी ग्रैंड मदर सुबह उनको उठाती थी, स्कूल लेकर जाती थी, तैयार करती थी, क्योंकि उस समय खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स जो थे ना, वो सिटी में रहते थे, और ये अपने दादी माँ के साथ गाँव में रहते थे उस टाइम पर. तो दादी माँ ही इनका सारा ख्याल रखती थी, इनको सुबह स्कूल लेकर जाती, साथ में ही वापस आ जाती थी. एक टेंपल था स्कूल के पास ही, वहाँ ये पाठ वगैरह करती, और जब खुशवंत सिंह की क्लासेस ओवर हो जाती तो वो इकट्ठे घर आ जाते थे. ऑन द वे बैक दे जस्ट फेड द डॉग्स के लिए रोटियाँ ले जाते थे, उनको रोटियाँ डालते. ठीक है, और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ, वो कैसी दिखती थी, सारा दिन माला जपती रहती थी, परमात्मा को याद करती रहती थी, और खुशवंत सिंह जी को अच्छे संस्कार देती थी.
और उनकी डेथ कैसे हुई, उनका इनके साथ प्यार किस तरह का था, ठीक है। ईच एंड एवरी थिंग ही हैज़ रिटन इन दिस स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। इन विच यूर खुशवंत सिंह नेम वॉज रिटन इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ ट्रिब्यूट, ठीक है। कब लिखा गया था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नेम, 2016 में। हिज सैटरडे कॉलम विद मैलिस टुवर्ड्स नो एंड एंड ऑल यूज टू बी पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इनका एक सैटरडे कॉलम आया करता था विद मैलिस टुवर्ड्स नो वन एंड ऑल, ठीक है, कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम में ना इसकी पब्लिश हुआ करता था, क्योंकि ये इस तरह का सीरियल था, ठीक है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश होते हैं ना, वैसे था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड खुशवंत सिंह वर्क इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्होंने कितने साल काम किया, 8 years, ठीक है, 8 years इन्होंने हाई कोर्ट में काम किया था। हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक टू कम्प्लीट द नावल डेली, अ नावल पब्लिश इन 1990 बाय खुशवंत सिंह। तो डेली अ नावल, अ नावल इसका सब टाइटल है, ठीक है। तो इस नावल को, डेली ए नावल को पब्लिश, मतलब कंप्लीट करने में को कितने साल लग गए थे, पब्लिश 1919 में हो गया था, 25 years लग गए थे इस नावल को कंप्लीट होते होते। अ नावल इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेली, द स्टोरी इज़ अबाउट अ जर्नलिस्ट हु हैज़ कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट की स्टोरी होती है, इसको कुछ हद तक हम बायोग्राफिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड वो क्योंकि इंग्लैंड से वापस आया होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, ही हैज रिलेशनशिप विद अ यूनक नेम्ड भागमती वर्किंग एज अ प्रोस्टिट्यूट इन दिल्ली। तो उस जर्नलिस्ट का एक यूनक, एक हिजड़े किन्नर के साथ रिलेशनशिप के बारे में ये स्टोरी। उस किन्नर का नाम होता है भागमती, ठीक है, वो एक फीमेल होती है, मतलब कि फीमेल किन्नर जो एक प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही होती है दिल्ली में। दिस इज खुशवंत सिंह लास्ट नावल, ये खुशवंत सिंह जी का लास्ट नावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डेब्यू नावल बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने सबसे पहले नावल कौन सा लिखा था, ठीक है, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 में जो पब्लिश हुआ था। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो खुशवंत सिंह ने लिखी हुई हैं, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द स्ट्रेन, सक्सेस मंत्र, अ लव अफेयर इन लंदन, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है, ये ना थोड़ा सही नहीं इसकी प्रिंटिंग हुई, ये है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ओके। नेक्स्ट है द वॉग, और उसके बाद है कर्मा, ये इनकी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज हैं जो इन्होंने लिखी हुई थी, इनके नेम्स आप याद रख लो। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस बाय, इनके द्वारा लिखी कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस कौन सी हैं, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, ये सबसे पहले ही उनकी बुक थी स्टोरीज की जो पब्लिश हुई थी, दिस इज द फर्स्ट बुक बाय हिम, नहीं 1950 में पब्लिश हुई थी, ओके। द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, ये पब्लिश हुई थी 1957 में। अ ब्राइड फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज, ये 1967 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है ब्लैक जैस्मीन, ये 1951 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द कलेक्टेड स्टोरीज, ये 1989 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी स्टोरीज की कलेक्शन है। अब ये कुछ नॉवेल्स हैं और कुछ अदर बुक्स हैं जो खुशवंत सिंह जी ने लिखी हुई हैं, असल में उनकी सारी बुक्स ही पॉपुलर थी, और जो कुछ पॉपुलर्स हैं वो मैंने इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं, ठीक है। जो नॉवेल्स हैं उसके आगे मैंने नॉवल लिखा हुआ है, यू कैन रीड द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, 1953 में आई थी इनकी पब्लिश हुई थी बुक, जो सिखों की हिस्ट्री के बारे में है। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये एक नॉवल है, 1959 में पब्लिश हुआ था। द सिक्स टूडे, 1959 में पब्लिश हुआ। द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ द पंजाब, 1962 में पब्लिश हुआ था। अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, 1963 में पब्लिश हुआ था, ये फर्स्ट वॉल्यूम है इसका, ओके। रंजीत सिंह द महाराजा ऑफ पंजाब, 1963 में पब्लिश हुई थी ये बुक, इसमें सारी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में उनकी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी। गदर 1915 में पब्लिश हुई थी, और सॉरी गदर 1915 ये बुक का नेम है, इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका सब टाइटल है, ये पब्लिश हुई थी 1966 में। अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, 1966, ये इसका सेकेंड एडिशन है,
दिल्ली ए नावल 1919 में पब्लिश हुआ था। वी इंडियंस 1993 में पब्लिश हुई थी ये बुक इनकी। वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ 1995 में पब्लिश हुई ये बुक इनकी। द कंपनी ऑफ वुमेन ये एक नावल है, 1999 में पब्लिश हुआ था। द सनसेट क्लब ये भी नावल है, 2010 में पब्लिश हुआ ये। ट्रुथ लव एंड अ लिटल मैलिस ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, खुशवंत सिंह जी की, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये 2002 में पब्लिश हुई थी, इसका आप नेम आप याद रख लें, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स जो 1469, ठीक है, 1838 एंड 2004 में पब्लिश हुई थी, यानी कि इनके तीन पार्ट्स हैं इसके, और तीनों पार्ट्स में इन्होंने सिख की हिस्ट्री को पब्लिश करवाया है। नेक्स्ट है डेथ एट माय डोर स्टेप, ठीक है, ये 2005 में बुक इनकी आई थी, पब्लिश हुई थी। अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स 1839, 2004 एंड 2005 में पब्लिश हुई थी, यानी कि थ्री पार्ट्स में ही पब्लिश हुई हुई है बुक। नेक्स्ट इनकी बुक है सेक्स स्कॉच एंड स्कॉलरशिप, जो 1992 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का आप पार्ट टू देखना ना भूलिएगा, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस किया है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।